भारत के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली अपने ही देश में चौतरफा घिर गए हैं। भारत पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाने के बाद ओली की कुर्सी खतरे में है। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्रधानमंत्री ओली से फौरन इस्तीफा देने को कहा है। खबरों के अनुसार ओली ने सफाई देने की लाख कोशिश की, लेकिन इसका असर होता ही नहीं दिखा। ओली पर आरोप है कि उनकी सरकार की झुलमुल रवैया के कारण चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ओली पर भारत से रिश्ते खराब करने के भी आरोप लग रहे हैं। नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान ओली अकेले पड़ गए। पार्टी उपाध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा, मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री एक बार फिर भारत विरोधी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि ओली नाकामी छिपाने के लिए गलत हथकंडे अपना रहे हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। सभी ने एक सुर में प्रचंड की मांग का समर्थन करते हुए ओली से इस्तीफे देने को कहा। इन नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। ओली ने जिस तरह से आरोप भारत पर लगाए हैं, उसके बाद उन्हें पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये संसद के सम्मान की भी खिलाफ है। नेताओं ने कहा कि ओली बिना सबूतों के आरोप लगा रहे हैं और इसे सहन नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक अगर केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कुछ मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। अभी पार्टी की स्थायी समिति में केपी ओली के पास बहुमत नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में केपी शर्मा ओली ने चीनी राजदूत से भी मुलाकात की, लेकिन मामला हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि ओली के पास अब सिर्फ इस्तीफे का ही इकलौता विकल्प बचा है। वैसे भी नेपाल ने जब से भारत के साथ नक्शे का बखेड़ा शुरू किया है, तभी से राजनीतिक संकट गहरा गया है। ओली के पार्टी के नेता ही उनका विरोध कर रहे हैं और भारत के साथ संबंध खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।